न्याय नेता रहे हम लालू जी के जीवन का आगे खिलाइए ना महाराज, लालू जी खिला रहे आगे खिलाइए ना और हम लोग सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। और हमारे नेता जो समाज में परिवर्तन किए, जो सामाजिक क्रांति हुआ बिहार और पूरे देश में, जो समाज के अंतिम व्यक्ति थे उनको आगे लाने का काम किए, वैसे नेता को आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग का दुआ उनके साथ है। निश्चित रूप से हमारे नेता को, हम लोग को न्यायपालिका पर भी भरोसा है, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। वैशाली में तो जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहाँ पर महिलाएं हैं मंजू सिंह के नेतृत्व में, वहाँ हजारों महिलाएं आज प्रभात फेरी निकाल रही है, गरीबों के बीच सारी बांट रही है, वहाँ भोज का आयोजन किया गया है, सभी गरीबों को खाना खिलाया जाएगा मंजू सिंह के नेतृत्व में वहाँ लालगंज में। और आज हम आए हैं सुप्रीमो से भेंट करने, कम से कम जन्मदिन को बधाई दे दूँ, लेकिन यहाँ जेल प्रशासन और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इस तरह का भावना कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री, कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे, और उनको से मिलने के लिए जन्मदिवस के अवसर पर ऐसा ऐतराज, ऐसा हम कई प्रशासन नहीं देखे भाई। हम लोग बिहार में भी ये सरकार थी लालू जी का, राबड़ी जी का, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, हम लोग सब लोग को जेल में मिलने का प्रावधान था जन्मदिवस पर, लेकिन आज लालू जी से फूल तक, गुलदस्ता तक नहीं देने दिया जा रहा है, ये कैसा प्रशासन। हम रघुवर दास जी से अपील करते हैं कि मानवता के आधार पर, न्यायपालिका से भी आग्रह करते हैं रघुवर दास जी से कि कम से कम मानवता के आधार पर लालू जी से मिलने दिया जाए। हम लोग भाई बिहार से आए, वैशाली से आए, लोग बहुत आना चाह रहे थे, हजारों लोग आना चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है, इससे लोग जान के भी नहीं आ सकते। कल भोला बाबा के बेटी की शादी था तो लोग दिल्ली चले गए, बहुत कार्यकर्ता और बहुत कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन कम से कम सेलिब्रेट करने दिया जाता। लालू जी के पहली बार लालू जी जेल में अपना जन्मदिवस मना रहे हैं, उस अनुसार हम लोग भी तो जाके मिल लेते, उनकी दीर्घायु होने की कामना करते, उनकी लंबी आयु हो, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, उन कई तरह से बीमारी से पीड़ित है, तो हम चाहते हैं कि स्वस्थ हो जाए।